खबर सतरवा पलामू से है, जहां पर बृहस्पतिवार को सतरवा प्रखंड हाई स्कूल फील्ड से सतरवा क्रिकेट मैच क्लब का फाइनल प्रदर्शन किया गया, जहां पर पहले कप व मेडल पर रांची ने कब्जा जमाया, वहीं दूसरे कप पर सतरवा। वहीं मैच का मुख्यमंत्री क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी प्रोफेसर जगन्नाथ सिंह, सतरवा जिला परिषद सुधा कुमारी, समाजसेवी अजय उराव शामिल हुए। वहीं मौके पर प्रोफेसर जगन्नाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस युवाओं के भविष्य को खोखला कर रही है, झूठे वादे कर वोट प्राप्त करते हैं। इन सभी को उनके माध्यम से सारी सुविधाएं दी जाती तो शायद आज हमारे क्षेत्र के बच्चे इंडिया लेवल पे खेलते। तो ही उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में जज्बात देखने के लिए मिलता है, तो अगर सुविधा ना होने के कारण खिलाड़ी कमजोर पड़ जाते हैं। तो वही उन्होंने दूसरी ओर से कहा कि युवाओं के लिए खेल अति आवश्यक है, खेल जो भी हो खेलने से मांसपेशियां दिमाग अच्छी तरीके से काम करते हैं। जो हम लोग बुलाने का काम किए उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम लोग बुलाए और मैच खेलने के लिए मौका दिया और हम लोग खेले। क्या कहना चाहेंगे खिलाड़ियों के लिए, इससे भी बेहतर के लिए? खिलाड़ियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, क्रिकेट जेंटलमैन का गेम है, तो लग के खेलना चाहिए, मैच कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे स्कोर कम हो ज्यादा हो, मैच लास्ट तक खींच के ले जाना चाहिए। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वो भी आगे मेहनत करें, हो सकता है आज हम उठाएं कप, हो सकता है आगे कोई और उठाए। अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी आएंगे तो अच्छा, सतबरवा के लिए अच्छी बात है, सतबरवा के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पे हमेशा अच्छा अच्छा गेम होता है, अच्छा खिलाड़ी आता है और अपना प्रदर्शन देके जाता है, और अच्छा प्रदर्शन देंगे और अच्छा कर सकते हैं। क्या आपको एक मिनट बोलने का कार्य? जैसे हमारे टीम के राहुल जी हैं, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, दोनों ही फॉर्मेट पे, या ग्रीन बॉल हो या लेदर बॉल हो, वो अच्छा खेलते हैं, उनको अगर मौका मिलता तो आज बहुत अच्छे ये पे रहते हैं। कभी जवानी पाती जय, ये शारीरिक अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए कवि ने कहा है, जहां तक मानसिक विकास की बात है, हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर गीता के मर्म को समझना है तो जाके मैदान में फुटबॉल क्रिकेट खेलो, तब गीता के मर्म को समझोगे। उनका कहने का मतलब था कि खेलकूद से आपका मस्तिष्क जब विकसित होगा तभी गीता के मर्म को समझोगे। हमारे दार्शनिक प्लूटो ने कहा था कि अगर कोई लड़का गंदा हरकत करे, पढ़ने में मन नहीं लगाता हो, तो उसको खेल कूद के मैदान में भेज दो, उसको मारो पीटो मत, मारने पीटने से लेकर ठीक नहीं होगा। आप खेल के मैदान में भेज दोगे वो स्वतः ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आज युवावस्था से, बाल्यावस्था से युवावस्था जो समय होता है बहुत ही ऊर्जावान और मूल्यवान होता है, अगर उस ऊर्जा को आप नहीं संभाल पाए और उसको अच्छा जगह पर प्रयोग नहीं किए तो जीवन दुर्भर हो जाता है, मानव तन फिर नहीं रह जाता है, वो दानव बन जाता है। यही वो समय है बाल्यावस्था से युवावस्था, और आज हमारे बड़े बड़े संस्थान में हर जगह पढ़ने के अलावा खेल के मैदान बना हुआ है। क्यों? कि अगर हमारे बच्चे युवा पीढ़ी पढ़ने के बाद अपना खेल के मैदान में जाएगा जहां उनका दिमाग भटका, फिर वो लाइन से बेलाइन हो जाएंगे और युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आज कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब वो चरितार्थ सही नहीं रह गई है। आज खेल कूद से भी हमारे युवा पीढ़ी पैसा भी कमा रहे हैं, शोहरत भी कमा रहे हैं, देश का भी मान ऊपर किया है। इसलिए क्योंकि अब नौकरी नहीं लग रही है भाई, तो खेलकूद से भी मेहनत करके आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन विडम्बना यह है कि आज तक न कभी बढ़ावा दिया और न कभी कुछ किया, आओ गलत रास्ता की ओर ढक दे रहा है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। आज हमारे बच्चों को अगर फील्ड मिलता, उन लोग को प्रोत्साहन मिलता,
तो यहाँ से भी धोनी जैसे प्लेयर चुना सकते थे, लेकिन यह विडंबना है कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि है इसकी वो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए भाई, इसमें कहीं कोई हर्ज नहीं है। और ये बहुत दुख की बात है कि हमारा युवा पीढ़ी अगर खेल कूद से आगे नहीं बढ़ लिख के खेल कूद नहीं आगे बढ़ेगा तो जीवन में गलत दिशा की ओर चल जाएगा। और आज खेल कूद से क्या है, आप अनुशासन, आपके अंदर संयम, यही तो आपको जरूरी है जीवन में, जो आपको खेल कूद से ही मिलता है। आज हमारे कपिल देव की राशि में धोनी भगवान, क्रिकेट का जो भगवान तेंदुलकर को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने पैसा तो कमेबे किया साथ साथ देश का मान स्वाभिमान भी बढ़ाया। और आज वर्ल्ड कप में 11 में धोनी जीता और पूरा उस पर नाज है देश का। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि मानव जीवन में खेल कूद एक बहुत जरूरी आयाम है, उत्कृष्ट अनुसंधान है जीवन का, मानव जीवन का। लेकिन मैं नौजवान पीढ़ी से दो तीन चीज कहना चाहता हूं भाई कि अगर मानव जीवन में सार्थकता अगर बनाना है, अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना है, तो आपके अंदर सदाचार की भावना रखनी होगी। आप उच्च आदर्श, उच्च सिद्धांत और नैतिक मूल्यों का सदाचार में ही मिश्रण होता है। अगर ये तीनों चीज नहीं है तो फिर कोई मायने मतलब नहीं है, इसको सुंदर बनाने के लिए बना है। लेकिन आज हम इस सृष्टि को सुंदर क्या बनाएंगे, इस सृष्टि को अपने आप में श्रेष्ठ साबित करने में लगे हैं। जितना धन हम लूट लो, कूट लो, धोखा दे दो और अपने आप को श्रेष्ठ बने रहो, यही तो समस्या है। लेकिन काश दूसरों के लिए सोचो, दूसरों के लिए कुछ करो, यही मानव जीवन का मतलब है। और त्याग, मैं त्याग की भावना भी युवा वर्ग को सिखाता हूं कि अगर आप अपने अंदर त्याग की भावना नहीं रखोगे तो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। त्याग की भावना एक तरफ आपको शांति और सुकून देती है तो दूसरे तरफ दया की भावना, सेवा की भावना और करुणा की भावना सिखाती है। इसीलिए सदाचार के बाद त्याग भी बनाना है, अपने आप को त्यागी बनो। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि न्यूटन से आप पढ़े होंगे प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये पढ़े होंगे। तो आप जरा सोचो भाई, ये प्रकृति में जो आप आए हो, अगर आप प्रकृति को कुछ नहीं दोगे तो प्रकृति भी आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगी। जैसे आप आम के पेड़ रोपोगे तो नीम नहीं होगा। कहने का मतलब कि आप अगर मानव तन में हो तो प्रकृति में इसके बाद पेड़, नदी, ये मानव रूपी प्रकृति का रूप है भाई, इसको भी कुछ करने का कोशिश करो। लेकिन आज लोग अपने अपने, पहले कहा था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, लेकिन अब हाई लिविंग नो थिंकिंग, समस्या यहाँ है। और नौजवान पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई सिंपल लिविंग रहो, हाई थिंकिंग रखो। मैं हाई लिविंग में रहोगे तो फिर नो थिंकिंग, तो फिर मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। खेल भी खेल लो, जीत भी लो, लेकिन जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैं आज देखो भाई, आप अगर प्रकृति को कुछ देते हो तो ही प्रकृति लौटाएगी। कहने का मतलब है, आज का वर्तमान विचार है कि आपके अंदर जो अवांछित भावनाएं हैं, जंगली रूपी घास और अवांछित परिणाम को आप सदा सदा के लिए मुक्त करो अपने कर्म और कर्तव्य के द्वारा। यही मानव जीवन का मतलब है और खेल कूद से भी यही सब चीज सीखना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सतबरवा से राजीव सोनी की रिपोर्ट, टीवी1 इंडिया न्यूज।